आप सभी लोग देख रहे होंगे कि देश भर में कोरोना महामारी अभी भी बनी हुई है, और इसी बीच आप लोग देख रहे होंगे डेंगू की मामले हों, इनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आपने देखा है कई बच्चों की डेथ भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा है ये फैल रहा है और कई राज्यों में फैल रहा है। एक अभी अभी हाल में ही खबर आई है केरल से, नीपाह वायरस, और इसका नाम आपने देखा होगा कि 2018 में केरल में इसके मामले मिले थे, और आप देखेंगे केरल में 17 लोगों की 2018 में नीपाह वायरस से मौत भी हुई थी। अभी हाल ही में एक 12 साल के लड़के की भी मौत हो गई है, और कई लोगों को भर्ती भी कराया गया है और कई लोगों को क्वारंटीन भी किया गया है, आइसोलेशन में भी भेजा गया है। तो आज के समय में मुझे लगता है कि अपने आप को, अपने परिवार को सेफ रखना एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है, एक तरह से आप कह सकते हैं। और इसीलिए कह रहा हूँ कि वैक्सीन नहीं लगवाई है तो लगवा लीजिए, और अपनी सेफ्टी खुद आपको रखनी है। एक बात मेरी भी समझ में नहीं आई आज, आप खुद जानते हैं कि केरल के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा और केरल के बारे में आप जानते होंगे, तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी इंडेक्स आता है, कोई भी सूचकांक आता है, तो उसमें केरल आपको टॉप पर दिखाई देगा। केरल बाकी राज्यों के मामले में आप देखें, स्वास्थ्य व्यवस्था केरल की ठीक है, शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है, महिलाओं की स्थिति की बात कर लीजिए, महिलाओं की शिक्षा की बात कर लीजिए, और आप देखिए लिंगानुपात की बात कर लीजिए, केरल आपको नंबर 1 पर देखने को मिलेगा। फिर भी आप देख रहे हैं केरल में आपको केस आपको दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ होने के बाद, स्वास्थ्य व्यवस्था होने के बाद, लेकिन बाकी राज्यों में आप देख रहे हैं कि केसों में गिरावट देखी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है, सबसे बड़ा कारण, कि आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टेस्टिंग बाकी राज्यों में कम कर दिए गए हैं। जैसे आप ही सोच लीजिए कि आप अब डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, अपने शरीर का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते हैं, तो आपको मालूम ही नहीं चल सकता है कि आपके शरीर में कितनी बीमारियां भरी पड़ी हुई हैं या क्या प्रॉब्लम बनी हुई है। हम जांच करवाते हैं तभी तो हमें मालूम चलेगा कि हमारे शरीर में कितनी बीमारियां हैं। तो इसका एक कारण मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण ये भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, यहां आप देखिए ना के बराबर केस आ रहे हैं। तो एक इसका कारण हो सकता है, लेकिन हम लोग बात करते हैं निपाह वायरस के बारे में, एक सामान्य जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि इस तरह से आपके परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, और मैं तो कहता हूँ इस तरह की टॉपिक आप देखिए आपकी लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना महामारी के बारे में हो, निपा वायरस के बारे में हो, डेंगू के बारे में हो, देश भर में जो भी है सबको मालूम होना चाहिए। एक बार आप लोग केरल को देख लीजिएगा। तो देखिए आप देख रहे हैं हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आप लोग दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ आपको केरल देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी की बात करें तो आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम है, और इसे स्टेट का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था। यहां बात करें तो विधानसभा सीटें आपको 141 देखने को मिलेंगी, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 9 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटों की बात करें तो 20 सीट देखने को मिलेगी, और करेंट में अगर हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और इससे लगे अगर राज्यों की बात करें, आपको देखना है तो तमिलनाडु से केरल की आपकी सीमा लगती है, ऊपर आप देख रहे हैं बेंगलुरु है, यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी अरब सागर का तट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, केरल की कोझिकोड जिले में 3 साल से अधिक समय के बाद जंतु जन जूनोट्रिक नीफा वायरस के संक्रमण का एक मामला सामने आया हुआ है, और इसकी आप देखेंगे डेथ भी हो चुकी है, 12 साल का बच्चा था यानी कि लड़का था। वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो राज्य सरकार द्वारा 188 व्यक्तियों की एक संपर्क सूची तैयार की गई है जो इस बच्चे के संपर्क में आए हुए हैं, जिनमें से अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल में भर्ती भी किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि शुरुआत में यानी कि तत्काल आवश्यकता,
तो ऐसे समय में जब केरल में कोविड-19 संक्रमण मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, और ये भी माना जा रहा है कि केरल में आप देखिए तीसरी वेव आ चुकी है, तीसरी लहर आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि 25 से 30 हजार केस हर दिन यहाँ कोरोना वायरस के देखे जा रहे हैं। पूरे देश में किसी अन्य राज्य की तुलना में संक्रमण के सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं केरल में। राज्य में इस खतरनाक निवा वायरस की वापसी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार के लिए यह आपसी विश्वास और समन्वय के साथ रोकथाम के उपाय करने का समय है। केंद्र को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को भी अपनी तरफ से काम करना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संपर्क में आए हुए व्यक्तियों का पता लगाना, संगरोध, पृथककरण, प्रयोगशाला परीक्षण के लिए नमूनों का संग्रहण और परिवहन तथा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण से आसपास के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने जैसे कदम तत्काल उठाए जाने की आवश्यकता है। इससे हम क्या करें कि इस वायरस को रोक सकें, नीपा वायरस को आगे बढ़ने से रोक सकें। नीपा वायरस के बारे में बात करें तो यह एक जूनोटिक वायरस है। यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। आप समझ रहे हैं, जानवरों से इंसानों में फैलता है। और पहली बार यह वायरस 1998 में और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था। कहाँ? मलेशिया और सिंगापुर में। सबसे पहले यह रोग घरेलू सुअरों में दिखाई दिया था। सुअर आप देखते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इसके बाद कुत्तों में, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों, भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में भी पाया गया। तो इस तरह के जानवरों में ये देखने को मिलता है। अगर हम इसके प्रसार की बात करें, यानी कि फैलने की बात करें, तो निपा वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है, और यह दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। फ्रूट बिट्स जैसे फल, चमगादड़ या फ्लाइंग बॉक्स भी कहा जाता है को निपा वायरस का प्राकृतिक स्रोत भी माना जाता है। आप देखिए, सुअर आपके आसपास घूमते रहते हैं, उनसे हो सकता है गंदगी, मक्खी है, या फिर आप देखिए चमगादड़, आप देखते हैं वो जाकर किसी फल पर बैठ जाती, फल को खा लेती है, वही फल आप देखिए मार्केट में आ जाता है या किसी व्यक्ति के द्वारा उसे खा लिया जाता है। इस तरह से भी ये फैलता रहता है। अब बात आती है कि इसके लक्षण की, तो आप देखेंगे इस संक्रमण में व्यक्ति में तीव्र मस्तिष्क शोथ, इंसेफ्लाइटिस और श्वसन संबंधी बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात आती है निवारण की, तो करंट में यानी कि वर्तमान में नीपा वायरस की रोकथाम के लिए मनुष्यों और जानवर दोनों के लिए कोई टीका नहीं उपलब्ध है। निपा वायरस से संक्रमित मनुष्यों को गहन चिकित्सीय देखभाल में रखा जाता है। अभी इसके लिए कोई टीका नहीं बना हुआ है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कोरोना के लिए तो आपने देखा है कि वैक्सीन आ चुकी है, और आप में से लगवा भी ली होगी 18 से जो ऊपर का होगा 18 से। तो फिर से कहूंगा कि अपना स्वास्थ्य के प्रति ख्याल रखिए, और साथ में अपना भी और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, ठीक है।